सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। इन दिनों सिंगर नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल कंटेस्टेंट विभोर पराशर के साथ अफेयर को लेकर चर्चा में है। अब इस मामले में नेहा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। नेहा ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, किसी को इतना बुरा भी फील मत कराओ कि वह अपनी लाइफ खत्म करने के बारे में सोचने लगे। नेहा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा, जब मैं इसे लिख रही हूँ तो मैं अच्छी स्थिति में नहीं हूँ, ना शारीरिक और ना ही मानसिक तौर पर, लेकिन मुझे ये सब बोलना पड़ा। क्या आप जानते हैं, उन्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है कि मैं किसी की बेटी या किसी की बहन हूँ। फिर नेहा ने आगे लिखा, मैंने पूरी लाइफ कड़ी मेहनत की है और सुनिश्चित किया है कि मैं अपने परिवार को गर्व महसूस करा सकूं और उनके साथ भी अच्छा करूं, जो मेरी फैमिली या दोस्त भी नहीं है। इसके बाद नेहा ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा, वे जाने बिना अफवाहें फैलाते हैं, वे यह तक नहीं सोचते कि इन सब चीजों का किसी की लाइफ पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वह सेलिब्रिटी है लेकिन इससे पहले वह एक इंसान है। ये बताते हुए नेहा ने लिखा, लोगों की पर्सनल लाइफ और उनके कैरेक्टर के बारे में बात करना बंद करिए, इतना बेरहम बनना बंद करिए, लोगों को जज करना बंद करिए, उन्हें शर्मिंदा करना बंद करें, इतना मत करो कि कोई डिप्रेशन में चला जाए। नेहा ने पोस्ट के आखिर में लिखा, अगर आप किसी के पिता या भाई हैं तो क्या आप भी अपनी बेटी बहन के साथ ऐसा ही करेंगे? किसी को इतना बुरा मत महसूस करवाओ कि वो अपनी जान लेने के बारे में सोचने लगे, प्लीज बंद करो। बाद में नेहा ने एक और इंस्टा स्टोरी शेयर की। इसमें उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, मेरे पास भगवान और भगवान जैसी फैमिली है। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।